फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। ट्रेड ऑलवेज परवीन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आप देखेंगे तो आपका आंख फटी के फटी रह जाएगी कि प्रॉफिट कैसे बनता है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट कोई गैम्बल नहीं है, जुआ नहीं है। जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो अपना पैसा बिना एक्सपीरियंस का आएंगे, 2 दिन में ही रिच बनने का कोशिश करेंगे और पैसा लगा करके बिना लॉजिक का, बिना किसी स्ट्रेटजी के मार्केट में पैसा लगाएंगे। किसी दोस्त के कहने के ऊपर में कि मेरा यहाँ, मैंने स्टॉक यहाँ पर परचेज कर लिया है, आप ये कर लो, मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, इसमें ऐसे कर लो, या किसी का टिप्स के ऊपर में कॉल करेंगे, कॉल ले लेंगे और वहाँ पर अपना लॉस करेंगे। लॉस करके बोलेंगे कि नहीं, मार्केट में कुछ नहीं है, मार्केट जस्ट जुआ है, यहाँ पैसा बनता नहीं है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आपको इन शॉर्ट मैं कल का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है मार्केट का, बैंक निफ्टी में, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो मैं आपको वहां का प्रेडिक्शन बता देता हूं। देखिए, मैं बहुत मेहनत से ये एक लेवल निकाल के लाया हूं आप लोग के लिए। जो अपर लेवल है 45,477, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है 45,139, और एक सपोर्ट लेवल है 44,705। मार्केट देखिए क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल आया था ऑन 24th, और 24th को मार्केट डाउनफॉल आकर के फिर गया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, इसी जगह से लिया जो मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, राइट। इस जगह को लेकर के यहाँ पर क्या किया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, जिसको बेरिश पैटर्न बोलते हैं, और ये इसको ब्रेक डाउन करके बहुत डाउन नीचे आ गया, इस लेवल पर आ गया 44,705। फिर ऑन 25th, राइट, देखिए मैं 5 मिनट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो इंडेक्स का है, और मैं इसे में एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं अपना इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी पर मैं ट्रेड करता हूँ। 25th को मार्केट गया, फिर देखिए इसी लेवल को रिजेक्शन लिया, क्योंकि अपने आप में ये देखिए एक सपोर्ट लेवल था, बट इसका रिजेक्शन लेकर अगेन मार्केट सेम लेवल पर ये जो आया 44,705, यहाँ से मार्केट थोड़ा हल्का नीचे आया, हल्का मतलब कि अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स नीचे आया दोस्तों। यहाँ से देखिए फिर ये यू टर्न लेकर के अपना ये जो रेजिस्टेंस लाइन था जिसका मैं अब ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, ये इस लाइन को, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन में मार्केट इसको देखिए बहुत रेस्पेक्ट कर रहा था यहाँ पर, बहुत देर से रेस्पेक्ट कर रहा था। और देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट बहुत बड़ा एक बुलिश कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया। देखिए अगर स्मॉल कोई कैंडल से ब्रेकआउट करता तो दोस्तों यहाँ पर कोई मार्केट का पोजिशन नहीं बनता। कोई अगर बायर साइड बाई साइड में जाता तो दोस्तों वो मार्केट वहाँ से क्या करता है कि वहाँ सेलर्स बैठे हुए थे, उसको रिवर्स कर देते। लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया है, इस कारण से दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कैसे मार्केट ने यहाँ पर आपका बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट किया, मैं जरा से खड़ा तो आपको समझाने में सुविधा होगा। मार्केट का प्लानिंग क्या है कि ये बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। अब मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी या तो यहाँ से गैप डाउन करेगा, गैप डाउन करने के बाद दोस्तों इस जगह का आप मार्केट ये जो है जो मैं लेवल देकर रखा हूँ आपको 44,705, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर मार्केट अगेन आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट अगेन अपना ये टारगेट आपको दे सकता है फर्स्ट सिनेरियो में। सेकेंड सिनेरियो दोस्तों, अगर ये ब्रेकआउट करता है कोई भी 5 मिनट्स की कैंडल, ये देखिए ये अपने आप एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों अगर कोई भी कैंडल यहाँ पर 5 मिनट का अगर सस्टेन कर जाता है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में, ये रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट बन जाएगा उस कंडीशन में। इसके ऊपर में अगर स्टॉप यहाँ पर मार्केट ये कैंडल अगर 5 मिनट का अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाती है तो दोस्तों आप उसका टॉप को जैसे ही क्रॉस करेगा दोस्तों आप ये टारगेट नेक्स्ट बनेगा आपका 44,477, ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो ये मेरा सिनेरियो रहा कल के लिए कि इसको अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो दोस्तों मार्केट विल टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल, राइट, एंड गो बैक टू 45,139, एंड इफ इट मैनेज टू सस्टेन अबव 45,139 फॉर 5 मिनट्स, एंड इफ एनी कैंडल ब्रेक्स द टॉप ऑफ द फर्स्ट कैंडल देन इट विल गो टू 45,477। दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, राइट। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि मैं कैसे ट्रेडिंग लेता हूँ, प्रॉफिटेबल कैसे ट्रेडर बन सकते हो आप भी। आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर मैं काम करोगे दोस्तों तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे, भले वो स्ट्रेटजी आपको लॉस दे, बट आपको प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों कि किस तरह से आप वहां पर अपना प्लानिंग करके आप ट्रेड ले सकते हो। आपका जो स्ट्रेटजी बनाओगे, कोई एक स्ट्रेटजी बनाओ और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर में फोकस्ड रहो तो आपको स्ट्रेटजी जरूर आपको प्रॉफिट देगी। देखिए
मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बनाने बताने वाला हूँ दोस्तों कि इतना भाग्य आपको भाग्य के आप मतलब लक्ष्मी आप घर में आएगी ही आएगी और जबरदस्त तरीके तरीके से आएगी। देखिए ये स्ट्रेटजी का खासियत क्या है कि जैसे इसमें दो लॉजिक है दोस्तों, आप देखिए जैसे ही यहाँ पर ये जो कैंडल ये जो बन रही है राइट, इसका लॉजिक है कैसे आप ले सकते हैं ट्रेड, ये मैं बता देता हूँ। अगर क्या ये स्ट्रेटजी है ये पहले जान लेंगे तो आपको ट्रेड लेने में बहुत ही तो मक्खन हो जाएगा आपको पैसा कमाना मार्केट से। देखिए ये जो बेयर बुल जो आता है ये अपने आप ऑटोमेटिक आता है राइट, इस मेरे स्ट्रेटजी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां से ये आपको बुल बेयर जहां से ये आपको सिग्नल देगा, यहां से देखिए मैं 5 डेज 6 डेज का मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए प्रॉफिट कितना जबरदस्त प्रॉफिट मैंने कमाया है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं कमाया हूँ, इस कारण से आपको दिखा रहा हूँ मैंने कमाया है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जहां पर ये सिग्नल देगा आपको बुल का, वहां से देखिए क्या होगा कि नीचे का जो ये जो हिस्टोग्राम लाइन है ये जीरो लेवल बोलते हैं इसको, ये ग्रीन जो कैंडल ग्रीन जो ये लाइन जो बननी चाहिए हिस्टोग्राम जीरो लेवल के ऊपर में बनेगा, प्लस ये जो ब्लू और ब्लैक लाइन जो है जीरो लाइन के ऊपर में होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये बुलिश में, ये देखिए यहाँ से बेरिश आया हुआ है राइट, ये मार्केट बेरिश था फिर बुलिश में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। तो जैसे ही ये जो दोनों लाइन जो होगा रेड से जो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी और नीचे ये जो लाइन है आप ग्रीन बनने लगेंगे और प्लस रेड और ब्लू ये ब्लू और जो ब्लैक लाइन जो है ये जीरो लाइन ऊपर जीरो लाइन जो हिस्टोग्राम लेवल है इसके ऊपर में अगर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो समझिए कि मार्केट बुलिश हो चुका है। ये आपको अब यहाँ से बुलिश बनने का आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि कहाँ आप ले सकते हैं कॉल। तो देखिए मार्केट जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया तो ये दोनों लाइन क्या होगा, लाइन कन्वर्ट ग्रीन लाइन जो है वो ये जो रेड लाइन जी थी वो ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई, नीचे हमारा ग्रीन बन गया लाइन, मेरा एकदम सेटअप प्रॉपर रेडी हो गया मक्खन जैसा। यहाँ मार्केट जैसे ऊपर गया फिर थोड़ा सा ये पुल बैक लिया, यहाँ पर पुल बैक को नंबर क्या था अप्रॉक्स 44,500 के यहाँ पर लेवल जो था, यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर होता है। और ये देखिए ये लाइन जो जो कैंडल्स बन रही है वो ग्रीन बन रही है। यहाँ कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जो लेवल जो है ये वाला ये हिस्टोग्राम के ऊपर में अगर ये लाइन ऊपर में रहता है तो आप समझिए कि मार्केट बुलिश होने वाला है, बेयरिश नहीं होगा राइट। तो आप क्या करेंगे कि आप एक पोजिशन अपना यहाँ बनाएंगे, देखिए यहाँ दो जगह सपोर्ट लिया। अगर आपको थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज नहीं है दोस्तों तो आपको मैं बता दूं, आप मुझे प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ उसको ज्वाइन करें आपको पता चल जाएगा, या मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद क्या किया बूम करके गया 536 पॉइंट दिया आपको 536 पॉइंट। सिमिलर देखिए यहाँ बेयर का वो अपना ऑलरेडी ऑटोमेटिक यहाँ आपको दे दिया कि आप यहाँ से सेल में जा सकते हैं, आप पी पुट बाय कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि आपका एक बार देने से दोस्तों चला जाएगा, ये आपका एक बार देने के बाद ये आपका सिग्नल ये वापस जा हटता नहीं है, ताकि आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो फेक सिग्नल देता है, ऐसा कुछ नहीं, एक बार दे देगा दोस्तों सिग्नल तो ये हटेगा नहीं। और देखिए यहाँ से दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखा दिया हूँ यहाँ पर मार्क करके कि देखिए एक बार मैं ये कितना पॉइंट आई एम सॉरी पॉइंट दे रहा है आपको, यहाँ बेयर का सिग्नल दिया, यहाँ देखिए बूम आपका 614 पॉइंट आपको दे दिया। क्या कंडीशन है सिग्नल का इसका कॉल में जाने का, जैसे ही आपको ये पॉइंट जैसे ही बेयर का यहाँ सिग्नल दिया आप वहाँ पर ही बाई कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, कभी भी आप जो ये लाइन का जो ऊपर में जो होगा आपका स्टॉप लॉस रहेगा राइट। आप यहाँ पर गए लाइन का थोड़ा सा दोस्तों आप बफर पॉइंट दे के दीजिएगा, थोड़ा सा लाइन जो है इसका बफर स्टॉक बफर जगह बफर पॉइंट देकर के दीजिए ताकि आपका स्टॉप लॉस आकर हिट ना कर जाए। अगर स्टॉप लॉस यहाँ हिट भी किया होगा दोस्तों तो ये देखिए ऑलरेडी रेड में कन्वर्टेड है, बेयर का पॉइंट दिया हुआ है, बेयर यहाँ ऑलरेडी दे चुका है सिग्नल आपको, आप यहाँ वेट कर सकते हैं कब तक, जब तक कि ये लाइन आपका रेड है राइट। और ये जीरो लाइन के लेवल जीरो लाइन के नीचे में देखिए ये जीरो लाइन के नीचे में ही लाइन है, अभी भी नीचे लाइन आ रहा है। और आपको प्रॉफिट कितना दिया है 614 पॉइंट आपको सिंगल डे में दिया है, मतलब कि 1100 टोटल पॉइंट्स आपको मिला हुआ। अगर आप सेम डे 25th आप अगर जनवरी का अगर डेटा देखें तो आपका 614 पॉइंट्स आपको पुट में मिला और कॉल में मिला आपको 536 पॉइंट। तो आप एक दिन में देखिए इस स्ट्रेटेजी से कितना पैसा कमा सकते हैं अगर आपको इसके ऊपर में कॉन्फिडेंस हो तो राइट। अब मैं बात करता हूँ 24 जैन का राइट, अब मैं 24 जैन का बात करता हूँ। आप देखें ये 24 जैन है, देखिए एक दिन में कितना बार आपको ये मक्खन जैसा पैसा कमाने के लिए मौका दे रही है ये स्ट्रेटजी। ठीक है 24 जैन मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ
मार्केट होने के बाद आपको कॉल दिया, सिग्नल दिया, सिग्नल देने के बाद देखिए आपको 409 पॉइंट्स, सेम डे आपको यहाँ बेयर का सिग्नल दिया। आप यहाँ अगर यहाँ पर कॉल में ढुके होते तो आपको देखिए निकाह कितना पॉइंट दिया आपको, 479 पॉइंट्स। कॉल में देखिए यहाँ दो बार कॉल में दे दिया, एक बार पुट में दिया, यहाँ एक बार कॉल में दिया, फिर पुट में दिया, फिर आपको अगेन कॉल में दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना मिला आपको, 304 पॉइंट। दोस्तों मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को बार बार बता करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग वीडियो भगा भगा कर देखेंगे तो दोस्तों आपको मज़ा नहीं आएगा, राइट। और पूरा वीडियो को देखें आपको मज़ा आ जाएगा इसमें कि कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है। देखिए यहाँ पर अगेन आपको 304 पॉइंट्स आपको दिया, ये सेम स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट डे का, प्रीवियस डे का, आई एम सॉरी दोस्तों, ये डे 24th का हो गया। देखिए कितना पॉइंट्स मिला आपको। अब 20 आज ये 23rd जैन में, 23rd जैन को देखिए दोस्त क्या प्रॉफिट दिया है आपको, मज़ा आ गया है दोस्तों। 1142 पॉइंट्स सिग्नल दिया आपको, आप यहाँ पर ढुक गए, आप वेट करें जब तक कि ये लाइन जो है पूरा रेड बनती रहे और ये जीरो लाइन हिस्टोग्राम ऊपर में ना जाए। जब तक नहीं जाता तब तक आपको मार्केट में बने रहना है। सिंपल मक्खन सा आपको पॉइंट मिलने वाला है और प्रॉफिट आप करने वाले हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ, आइए 23rd का हो गया ये। अब मैं आता हूँ आपका 20th जैन को, क्योंकि बीच में मार्केट क्लोज था सैटरडे और संडे। देखिए ये स्ट्रेटजी कब काम नहीं करती, जब भी मार्केट गैप डाउन और गैप अप हो जाएगा ओपन दोस्तों, इसमें मार्केट काम ये इस स्ट्रेटजी में ये इस कंडीशन में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। आपको बस मार्केट के लिए वेट करना पड़ेगा तब होगा, कंडीशन के लिए बनने के लिए वेट करना पड़ेगा तब होगा, राइट। अब आइए दोस्तों बात करते हैं 20th जैन को। यहाँ देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हम वेट करेंगे, कोई कॉल नहीं लेंगे, मेरा जब स्ट्रेटजी बनेगा तब हम लेंगे। देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, आने के बाद फिर देखिए यहाँ पर बुल का कॉल दिया। अच्छा ये यहाँ बेयर दिया था, आप बोलेंगे दोस्तों कि बेयर तो दे दिया सर, आप बेयर का क्यों नहीं आप जाएंगे यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। हम बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ब्लैक लाइन और जो ब्लू लाइन है ये जीरो लाइन हिस्टोग्राम का लाइन के नीचे में नहीं आया है, इस कारण से ये यहाँ पर वैलिड नहीं बनता अपना कॉल, राइट। यहाँ पर हम कॉल को इनवैलिड लेंगे, यहाँ मेरा कॉल वैलिड नहीं बनता। देखिए यहाँ बुल दे दिया, बुल के हिसाब से मेरा देखिए दोनों लाइन ऊपर चला गया, ये सब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा जो हिस्टोग्राम लेवल है ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ये दोनों लाइन जो है जो जो रेड में कन्वर्ट हुई थी वो आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, बस आप यहाँ पर आपको पोजीशन बनता है 149 पॉइंट्स, राइट। तो देखिए एक दिन में ये स्ट्रेटजी आपको कितना बार पैसा बना के दे रही है, इसमें आपको कुछ मेरे को कुछ छिपाने का नहीं है दोस्तों। अब 19th में ये 19th देखिए दोस्तों ये गैप ऑफ ओपन हुआ है तो मैं वेट करूंगा अपना कंडीशन बनने के लिए, मैं इतना हड़बड़ में कॉल नहीं लूंगा और मेरा पैसा लूज करके चला नहीं जाऊंगा, राइट। यहाँ मेरा स्ट्रेटजी बना, राइट। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक वेट करने दीजिए, राइट। मार्केट देखिए यहाँ यहीं से फिर नीचे आया है, नीचे आकर कितना आपको पॉइंट देखिए यहाँ तक नीचे आया है, कितना दिया 462 पॉइंट्स। तो ये स्ट्रेटजी इतनी अपने आप में तगड़ी है दोस्तों, जिसके ऊपर मैं खुद ट्रेड करता हूँ और मेरे जितने जान पहचान के हैं मैं उनको दोस्तों अपना ये पर्सनली भी बताता हूँ, मुझे फ़ोन करते हैं तो, और मैं उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं उनको ये चीज़ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो इनको मैं बताता हूँ कि आप प्लीज़ इस तरह से आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, बना करके आप ट्रेड करो, आपको मज़ा आ जाएगा। एक स्ट्रेटजी पर काम करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और प्रॉफिट बनाने के लिए आपको दोस्तों कहीं जादू के छुटे नहीं लाना पड़ेगा। आप इस स्ट्रेटजी का खुद का बिल्डर हुआ बनाओ, जिसको आपको कॉन्फिडेंस मिले आप उसके ऊपर में काम करो, राइट। सो दोस्तों आपको अगर मेरे से कुछ स्टडी करना है, कुछ जानना है, समझना है इंट्रा ट्रेड के बारे में, बैंक निफ्टी में स्पेशली मैं ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में नहीं करता हूँ, स्टॉक्स में नहीं करता हूँ, राइट। और मैं मुझे जब भी समय मिलता है दोस्तों मैं अपना टाइम के निकाल करके अपना ये ट्रेड कर लेता हूँ, करने के बाद अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ, बस उसके बाद ये सिस्टम बंद हो जाता है, मैं अपना काम में लग जाता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता है दोस्तों प्रॉपर सीट पर बैठ के काम करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ है, मैं आपको बस यही बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपको कुछ भी जानकारी है दोस्तों आप प्लीज़ मेरा कमेंट्स आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा, राइट। मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं अभी कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ किसी से, आपको लर्निंग में फोकस करना है दोस्तों। और मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लर्न करें, किसी से टिप्स ना लें, अभी लर्न करने के बाद ही आप पैसा लगाएं और फिर आप ट्रेड करें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें अच्छे से कमेंट से, और मेरा प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें जरूर मेरे चैनल को, मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, राइट। सो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।